देखो मैं हो गया। अब मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, ये तो हमारे दोस्त लोग बताएंगे। स्टार्ट कर दो। क्या कर रहे हो आप? बस स्टार्ट है। स्टार्ट करना। हाँ यार, मेरी आवाज़ आ रही है, जो मुझे देख पा रहे हैं उनको ज़रा सा मुझे सूचना दे दीजिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपके कमेंट मेरे पास आते ही मैं शुरू हो जाऊंगा। शुक्रिया राम रतन सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। बाकी और भी लोग जो मुझे देख रहे हैं उन तक मेरी आवाज़ आ रही है। शुक्रिया निकिता। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मुझसे आप सभी परिचित ही हैं, मैं मोहित हूँ। ज़्यादातर जो लोग मुझे देख रहे हैं शायद उन्हें यही पता है कि मैं टोंक का हूँ। मैं बेसिकली टोडा राइसिंग का रहने वाला हूँ और वहीं पे मैंने मेरी प्राथमिक पढ़ाई पूरी करी है और लगभग 10 सालों से मैं टोंक में हूँ। कक्षा 6 से मैं टोंक में पढ़ा, कक्षा 6 से लेके लगभग कक्षा 12 तक मैंने विवेकानंद स्कूल है टोंक में, वहाँ मैंने पढ़ाई करी है। और उसके बाद मैंने मतलब अपनी पसंद के अनुसार, क्या काफ़ी मनमौजी रहा हूँ मैं शुरू से, तो अपनी पसंद के अनुसार मैंने कंप्यूटर को विषय चुना और उसी के अंदर मैंने BSc और MSc IT पूरी करी है। तो मतलब काफ़ी बहुत बढ़िया दिन है आज के लिए। आज मतलब इतना अच्छा दिन है कि मैंने अपने पसंद की शर्ट पहनी है और लड़का मैं बड़ा रंगीन हूँ लेकिन कपड़े मुझे काले ही पसंद है। शुक्रिया सर, अफरोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सबसे पहले तो मैं जनसरोकार मंच के सभी सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खास करके देव सर। देव सर से हम सब लोग बहुत ही भली भांति परिचित हैं। देव सर का सदा सहयोग रहा है हम लोगों के साथ में, वो हमेशा हम सबके साथ में जुड़े हुए हैं। और आप जो भी लोग, जो भी साथी, मेरे दोस्त, मेरे सर, मेरे दोस्त, जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मुझे दिया। लगभग 5 या 6 साल से मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ और वहीं से इन कविताओं, कहानियों की लिखने की शुरुआत हुई। तो एक बात यह है कि इतने सालों में एक बात ये नोटिस हुई कि अगर दुनिया में सबसे अजीज कुछ चीज़ है तो वह है मनुष्य का दिमाग। इंसान के दिमाग ने कितना कुछ खोज निकाला है 5 दिन तक। इंसान के दिमाग ने कितना कुछ खोज निकाला है पाषाण के युग से आज तक। उसमें अगर तमाम खोज में से अगर कोई एक खोज जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है तो वो है थिएटर। मंच पर उस पाषाण काल से लेकर मैं वर्तमान तक का हर एक किरदार जी सकता हूँ, हर एक दौर को मैं जी सकता हूँ। और अगर थिएटर ना होता तो शायद ऐसा लगता है बहुत कुछ जीवन से छूट चुका होता। शुक्रिया सर, बड़े सर, नमस्ते। महेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सब मतलब रंगमंच से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, लिखना, कविताएं लिखना, कहानियां, ये सब इसी की देन है। अक्सर जब भी रंगमंच की बात करता हूँ तो कुछ पंक्तियाँ हैं, हालांकि उन पंक्तियों के लेखक कोई और हैं, लेकिन रंगमंच की जब बात करता हूँ वो पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रभावित करती है, तो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि मैं इंसान था सच के राह का, आज एक अंश बन गया। जिंदगी के हर मोड़ पर मैं रंगमंच बन गया। निभाए बहुत किरदार मैंने अपनों के लिए, मैं ही गुनहगार और मैं ही पंच बन गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आपसे फिर सभी का। आज की कविताओं की शुरुआत मैं करता हूँ मेरी पहली कविता। इस कविता का टाइटल है कविता। बड़ी विचित्र घटना इस कविता को लेकर, हालांकि इस कविता को मैंने कल रात में लिखी। जब मैं ये सोच रहा था कि आज मेरा लाइव लाइव शो है, लाइव प्रोग्राम है, तो काफ़ी सारे दिमाग में ख्याल चल रहे थे कि मैं कहाँ से मैं शुरू करूँगा, फिर मैं क्या बोलूँगा, इस तरह के लेके काफ़ी सारे विचार मन में गुदगुदा रहे थे कि यार मैं ये वाली कविता बोलूँगा सबसे पहले। नहीं यार, मैं पहले ना एक काम करता हूँ, मैं पहले कहानी लेता हूँ। तो इस तरह के खैर तमाम चल रहे थे, तो तब मैंने ये कविता लिखी।
कि यार क्यों ना कविताओं की शुरुआत कविता से शुरू करें। तो इस कविता का टाइटल है कविता, तो आप सबसे मैं साझा करता हूँ इसे। ये सारा मैंने लिखा है कॉपी में, तो मैं देख कर ही बोलूँगा, ये कल रात को ही लिखी है। कविता खून मांगती है, जिस्म के हर एक भाग में बसे कण कण से निकलती आवाज होती है कविता। ये सिर्फ चंद शब्दों का ढांचा नहीं है, जिसे एक फ्रेम में ढाल दिया और बन गई, और ना ही ये कोई मजबूत इमारत है। कविता बनती है नाजुक से नाजुक भावों के सरियों से। कविता महज जज्बाती तौर पर लिखी नहीं जाती, हाँ उसमें हर जज्बात को बेशक बयां जरूर किया जा सकता है, मगर मेरी कविता लिखने का सबब सिर्फ कोई लेखन नहीं है, तेज बोलो। ये खिलती है दिलो दिमाग और जेहन से निकलकर, नाचती है हर एक व्यक्ति के मन के भीतर, दौड़ती है लहू के हर रक्त कण में, कभी मौन रहती है फिर भी उसकी आवाज है। कविता जिस्म का हर एक कतरा मांगती है, अगर आप सही मात्रा में उस कतरे को मिलाना भूल गए तो कविता का जायका इतना अच्छा नहीं बनता। सांसें रखनी पड़ती है निकाल कर शब्दों में, दिल की धड़कनें मिलानी पड़ती है। कविता शब्दों से नहीं बनती, भावों से बनती है। शब्द तो बस जरिया है उसे व्यक्त करने का। जब तक भाव रूह की गहराई से निकलकर हूबहू कागज पर नहीं बहे, तब तक वो कविता कविता नहीं बनती। जैसे बिना रंगों के पेंटिंग अधूरी होती है, ठीक वैसे ही बिना जज्बातों के कविता बहुत कोरी सी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे पाई? मेरी आवाज़ आप तक आ पाई? हालांकि लाउड मेरी आवाज आप तक आ पाई? ओके, थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थी कविता जिसका टाइटल था कविता। कल रात को ही मैंने इसको लिखी। वैसे बड़ी कविताएं तो मैं बहुत ही कम लिखा हूँ आज तक। हालांकि मैं कुछ जो कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड्स छोटे छोटे, वो मैंने काफ़ी सारे लिखे हैं। तो उनमें से कुछ कॉर्ड्स मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा, मतलब एक कॉर्ड्स है जिसे मैंने जब पहली बार लिखा वो तब से मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस ही बना हुआ है, जो कि इस प्रकार है कि मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं। ये कॉर्ड्स है, इसको शायद मैंने 1.5 साल पहले लिखा है और ये तभी से मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस बना हुआ है। और एक दूसरा कॉर्ड्स है कि कौन कहता है हमने तुम्हें दिल से निकाला हुआ है, एक यही तो रोग है जो हमने शौक से पाला हुआ है। धन्यवाद। अगली कविता मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, उससे पहले इस कविता के बारे में मैं आपको बता दूँ, कम से कम आज से 6 महीने पहले हम लोग एक इम्प्रोवाइजेशन नाटक तैयार कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो इम्प्रोवाइजेशन इस नाटक के अंदर सबने अपनी कुछ कविता लिखी, तो हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने भी इन्होंने इस कविता को लिखी। तो मैंने इनको कहा कि सर अब ये कविता जितनी है इसको इतनी ही रखो, अब इसे पूरी मैं ही करूँगा। तो मतलब इसको मैंने परफॉर्मेंस में भी इस कविता को तैयार किया, जो कि मेरे बहुत ही पसंदीदा रही है। ये कविता है ज्ञानेंद्रियों पर, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, खाल और जीभ। तो इस कविता की शुरुआत करता हूँ। कविता बहुत ही गहरी है, आप सबको अच्छी लगेगी सुनकर। तो शुरू करता हूँ। अंश है तू असीम का, सीमित कैसे हुआ? सारी कायनात है तुझ में, फिर क्यों है डरा हुआ? मस्तक में ब्रह्मांड है चेतन उसमें भरा,
काम तुमने लिया नहीं, हुआ बेकार जंग लगा। पंच तत्वों से बना, पंचायत का सरपंच है। आंख कान नाक खाल जीभ खबरी तेरे पंच है। आंखों से तू देख नजारा, नाक से तू सूंघ ले, कानों से सुन दसों दिशाएं, जीभ से तू चाख ले। सर्दी गर्मी ताप की छुअन जाने अपनी खाल से। पंच तत्वों का ले सहारा, सरपंच जाने चाल से। जितने पंच साथ में आए, उतना पुख्ता ज्ञान हो। भेद नहीं इंसान में जाने, वही इंसान महान हो। धन्यवाद। ये थी कविता 5 सेंसेस पर लेकर। तो वही एक इम्प्रोवाइजेटरी नाटक किया हम लोगों ने, वो लगभग 15 से 20 मिनट का था। तो सभी जितने भी साथी थे, सबने अपने अपने अलग अलग संवाद को लिखा, उसी पर ये तैयार किया। तो मेरी अगली कविता है यात्राएं। एक समय ऐसा आया था, आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले, कि क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, चल रहा है तो बस यात्राएं। इधर से आ रहे हैं तो वहां के लिए निकल रहे हैं, वहां से आ रहे हैं तो वहां के लिए निकल रहे हैं। तो मतलब टिक ही नहीं रहे घर पे, बस इधर उधर। शुक्रिया राम रतन सर, ये कविता के अंश राम रतन सर के हैं, ऊपर पंच तत्वों का। तो मैं अपनी अगली कविता शुरू करता हूँ, यात्राएं। बहुत संक्षिप्त में है ये। यात्राएं कभी खत्म नहीं होती, और मैं चाहता हूँ कि मेरी यात्राएं कभी खत्म न हो। यात्राएं मुझे कभी खाली नहीं रहने देती, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा व्यस्त रहूं। ये यात्राएं मुझे हमेशा जीवित रखती है, और मैं कभी मरना नहीं चाहता। मैं जारी यात्रा में हूँ, रुकता हूँ, थकता हूँ, पूछता हूँ, चलता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ एक बहुत ही लघु कविता, एक और छोटी सी, बहुत ज़्यादा हो सकता है वो आपके दिल तक करे, आपके दिल के करीब पहुंच जाए। अक्सर उस प्रकार के बच्चे हम लोग देखते ही हैं। तो ये मतलब जिसके ऊपर कविता है, ये आपको सुनने पर आसानी से समझ में आएगी। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन शब्द मैं प्रयोग करता नहीं, मतलब जो बोलना जा रहा हूँ वो किसी तीसरे भी समझ पाए, कुछ इस प्रकार के ही मैं शब्द देता हूँ। तो मेरी अगली कविता है, अपनी सांसों को उस गुब्बारे में इकट्ठा कर। वो गुब्बारा नहीं, अपनी सांसें बेचता है। उस छोटे से चेहरे पर बड़ा सा फूलता गुब्बारा, अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए उस सांसों को खुद में संजोए रखता है। धन्यवाद सर, राजेंद्र, रवि, सत्यनारायण सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगली कविता बोलने जा रहा हूँ, हालांकि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। जब कल मैं इसी की तैयारी कर रहा था आज के दिन की, तो मैंने मेरा पुराना जब मैं डाटा देख रहा था, मुझे कविता मिली। इस कविता का टाइटल है मेरे शहर की गलियां, और ये कविता 23 अप्रैल 2019 को पब्लिश भी हो रखी है अखबार में, तो ये मुझे कल ही याद आया। तो टाइटल है मेरे शहर की गलियां। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। मेरे शहर की गलियां कुछ वीरान सी है तो कुछ चहचहाती सी है। हर गली अपनी ही कहानी सुनाती है। लाल गुलाबी नई पुरानी गलियां त्योहारों पर दुल्हन की तरह सजती है। मुकम्मल कर देती है फिर उन लम्हों को जिन्हें हमने बंद करके बक्से में रखकर छिपा दिया था कहीं। मेरे शहर की गलियां बहुत बातें करती है, सुनकर तो देखो और पलट कर देखो गौर से, तो आईने में अपना बचपन दिखलाती है। मेरे शहर की गलियां, और यही वो जगह है जहां खिलती है हमारे ख्वाबों की कलियां। हर तरफ इतने शोर में भी कितना सुकून देती है अपने शहर की गलियां। शुक्रिया।
मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? क्या मुझे तो पता नहीं चल पाएगा आवाज़ का, तो आप ही बता पाओगे। अगर कुछ आवाज़ समझ में ना आए, कुछ शब्द, कुछ लाइन, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, आप बताइएगा कमेंट्स में। एक अगली कविता है इंसानियत। इस समय क्या है, कोरोना का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो हालांकि कुछ दिन पहले कोरोना पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, शुक्रिया महेश सर, कोरोना पर एक आर्टिकल लिखा था, तो आर्टिकल वो काफ़ी बड़ा हो गया वो, तो मैंने उसी आर्टिकल में से कुछ अंश निकाले और एक कविता थी जिसको मैंने बस लिखी ही रह गई, तो मैं आपसे साझा करता हूँ। कविता का नाम है इंसानियत। तो शुरू करते हैं। एक रोज ये शहर वीरान होगा, एक रोज ये शहर वीरान होगा, रास्ते होंगे मगर, एक रोज ये शहर वीरान होगा, रास्ते होंगे मगर खाली, ब्रह्मांड के स्पेस की तरह एकदम खाली, हवाएं चलेगी मगर तन्हा, सूरज जलेगा डूबेगा मगर कोई देखने वाला नहीं होगा, मंदिर मस्जिद मैखाने भी बंजर होंगे, वैसे तो आज भी है, जान बाहर तक आ जाएगी इतनी ऊंची आवाज में चीखेंगे, तब भी कोई सुनने वाला नहीं होगा इर्द गिर्द, प्यास लगेगी पानी न होगा, भूख लगेगी खाना न होगा, तुम्हारा मन करेगा कि पेड़ के पत्ते खा लूं, तुम अपना हाथ भी बढ़ाओगे मगर सूखी साख के हरे पत्ते भी नसीब न होंगे, तुम सुन सकोगे पक्षियों के शोर को, तुम खाओगे सड़े मांस को, इंसान के मांस को, तुम्हारी जीभ को उसका स्वाद अच्छा न लगेगा, मगर मगर यकीनन वो निवाला तुम्हें कच्चा न लगेगा, तब उस वक्त उस पल उस दर्दनाक मंजर के दरमियान तुम समझ जाओगे इंसानियत का जिंदा रहना क्यों जरूरी था और क्यों जरूरी है। और हाँ, अगर तब भी तुम्हें समझ न आए तो तुम्हारा तड़प तड़प कर मर जाना ही बेहतर है। तो ये कविता है, लगभग इसको 7 से 8 दिन पहले लिखी, इंसानियत। एक कविता काफ़ी मस्त है, इसकी कहा इसकी स्टोरी, कविता कविता की स्टोरी कितनी मस्त है, ये अपने आप में एक लाइन बन गई, कविता की स्टोरी अच्छी है। हालांकि ये कविता नोवल पढ़ते टाइम 29 अप्रैल यानी कि आज से 7 दिन पहले, 6 दिन पहले ही लिखी गई है। इस कविता को अभी तक मैं कोई टाइटल ही नहीं दे पाया, तो रात को 2 बजे इस कविता को लिखी। तो ये कविता है कि, शुरू करता हूँ, कभी अनजान बनकर, कभी अनजान बनकर कुरेदना शुरू करना संसार में बसे तमाम रेगिस्तानों को, कभी अनजान बनकर कुरेदना शुरू करना संसार में बसे तमाम रेगिस्तानों को, पहाड़ों, नदियों, समुद्रों, पथरीले रास्तों को, कभी अनजान बनकर कुरेदना शुरू करना संसार में बसे तमाम रेगिस्तानों को, पहाड़ों, नदियों, समुद्रों, पथरीले रास्तों को, और देखना तुम क्या पाते हो। जहां तुम्हारे कदम रुके, देखना वहां से सैकड़ों, करोड़ों, अरबों, खरबों मीलों दूर गहराई और ऊंचाई की ओर, ढूंढना अपने उस अस्तित्व को जिसकी खोज के लिए तुम्हें उन तमाम रहस्यों से अनजान बनना पड़ा, जिसकी खोज के लिए तुम्हें उन तमाम रहस्यों से अनजान बनना पड़ा। नहीं, मैं नहीं कहता कि तुम अनजान ही बनो, अस्तित्व को खोजने के लिए तुम एक बेहतर इंसान भी बन सकते हो। धन्यवाद। एक अंतिम कविता मैं आप सभी से साझा करूंगा, एकदम अंतिम है ये कविता है हादसा। तो ये मेरी आखिरी कविता, इसके बाद मेरी बहुत लघु कहानियां हैं, बहुत संक्षिप्त में वापस से साझा करूंगा। एक आखिरी कविता, हादसा।
मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हादसा, मैं एक हादसा हूं जो घटा है मुझसे रूबरू होते लोगों के साथ। कई लोग मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना चाहते हैं, और कई हैं जो मेरी बातों को अपनी यादों वाली डायरी में सजाते हैं। कितनों ने मुझे एक खराब हादसा मानकर भुला दिया, कितनों का अफसोस है कि उनके जीवन में मैं भी एक हादसा बनकर आया। कुछ का कहना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कुछ का कहना है मैं बहुत बुरा हूँ, कुछ को तो मुझसे मतलब ही नहीं, मगर ये सच है कि मैं एक हादसा हूँ और हादसे कभी न कभी तो खत्म हो ही जाते हैं। धन्यवाद, ये अंतिम कविता थी मेरी। तो आप ज़रा बता दीजिए कैसा लगा, फिर मैं अपनी दो कहानियाँ हैं बहुत संक्षिप्त में आप सभी से साझा करूँगा, समय का ध्यान रखते हुए। शुक्रिया रामेश्वर सर, शुक्रिया निकिता, सुमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वह खूब, बहुत खूब, अब भी इंसान नहीं रुका तो ये समय ज़्यादा दूर नहीं। बहुत सही बात, एकदम सही है। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी लघु कहानी। इस कहानी के बारे में दो कहानियाँ हैं, दोनों कहानी की मैं हल्की सी यात्रा आपसे बता दूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है एक तोता। तो उसी तोता का हम लोग एक डायरेक्शन प्रोसेस में कर रहे थे, उसका निर्देशन करने जा रहे थे। तो उसी निर्देशन के मतलब उसी प्रोसेस के दौरान हमने ये तय किया कि वो कविता क्या है, शिक्षा प्रणाली पर है, रटंत शिक्षा प्रणाली पर। तो हमने सोचा था कि क्या सिर्फ किताबों से ही सीखा जा सकता है, क्या सिर्फ किताबों से ही सीखा जा सकता है, और मतलब जिनके पास किताबें नहीं हैं वो कैसे सीखते हैं। तो जो बच्चे हम लोग अपने आसपास देखते हैं, कचरा उठाने वाले, कुछ सामान बेचने वाले, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वही घर के बड़े होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हम देखते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों का हम लोगों ने एक सीरीज बनाई, तो सभी को लिखना था। तो मैंने भी उन्हीं बच्चों पे दो कहानियाँ लिखी हैं। पहली कहानी है मैं और मेरे गुब्बारे। तो इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। इस कहानी को हालांकि मैंने डिज़ाइन भी किया है, मैं और मेरे गुब्बारे, बहुत लघु कहानी है। तो शुरू करते हैं। ये बच्चा अपनी बात बोल रहा है कि मेरी जिंदगी किसी रेस में भागते घोड़े से कम नहीं है। इस छोटी सी उम्र में किन परेशानियों से नहीं गुजरा मैं? रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों के बिना जीवन अधूरा है, और इन्हीं के लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। जिस उम्र में इस शहर के बच्चे अपने पैरों पर चलना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में मैंने इस शहर की हर एक गली को नापा है। जिस परिवार का मैं हिस्सा हूँ, वो खुद ही अनेक हिस्सों में बटा हुआ है, और अपने हिस्सों की खुशियों को बरकरार रखने के लिए निरंतर संघर्षों के बीच जीवन यापन की बुनाई कर रहा है। क्या कुछ नहीं है इस शहर में? हर तरह के काम धंधे, और इन तमाम काम धंधों के बीच अपनी सांसें गुब्बारे में भरकर मैं गुब्बारा नहीं अपनी सांसें बेचता हूँ, और जब वो गुब्बारा अपने अस्तित्व में आकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, तब मेरे मुस्कुराहट आती है। इतना आसान नहीं है खुद की सांसों से किसी को जीवित रखना। कितना कठिन है मेरे लिए ये कहना कि मैं गुब्बारे बेचकर जीवित रहता हूँ, उससे कहीं ज्यादा कठिन है ये कहना कि मैं अपनी सांसें बेचकर जीवित रहता हूँ। तो ये थी मेरी कहानी मैं और मेरे गुब्बारे। इस कहानी को लेकर एक छोटा सा मैंने कुछ बनाने के सोचा, एकदम उससे भी छोटा, कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते, मचलते तो बिल्कुल भी नहीं। वे बड़ों का कहना मानते हैं, छोटों का भी कहना मानते हैं, इतने अच्छे होते हैं। और इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, जैसे ही मिल जाते हैं अक्सर उन्हें घर ले आते हैं, 30 रुपए प्रति माह और खाने पर।
शुक्रिया नवीन, शुक्रिया ओम प्रकाश सर। तो मैं अपना एकदम आज के एकदम लास्ट मेरी दूसरी स्टोरी, तो क्या है सबको एक एक स्टोरी लिखनी थी, लेकिन वो क्या है जब लिखने बैठते हैं तो बहुत कुछ चलता है, तो मैंने दो स्टोरी लिख डाली। तो दूसरी स्टोरी है कचरे उठाने वाले बच्चे के, वो जो थैला होता है जिसमें वो उठाता है। तो मैंने इस स्टोरी को नाम दिया है ख्वाहिशों का थैला, ख्वाहिशों का झोला। तो इस कहानी को भी मैं हल्का सा इस प्रकार से एक डिज़ाइन किया है खुद से ही। तो मैं अपनी दूसरी कहानी शुरू करता हूँ, बहुत संक्षिप्त है, ख्वाहिशों का झोला। तो कहानी शुरू है, हेलो हेलो, आप चौंक तो नहीं गए? अरे भाई, भले ही कभी पढ़ने नहीं गया, पर टूटी फूटी अंग्रेजी के कुछ शब्द तो बोल ही लेता हूं। जरूरी तो नहीं है कि हम सब कुछ स्कूल में ही सीखें, कुछ बातें हमारा ये जीवन ना चाहते हुए भी हमें सिखा ही देता है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, कौन बच्चा हाथ में झोला लिए सड़कों पर कचरा उठाना चाहता है? पर जिंदगी ने मुझे ये भी सिखा दिया। और हाँ, ये झोला नहीं है, मेरा घर है, मेरी ख्वाहिशों का घर, जो मैं शहर की हर गली से हर कोनों से इकट्ठा करता हूँ। भले ही थोड़ा मैला है, पर मेरा है। मेरे जीवन में भले ही बहुत संघर्ष है, पर इस झोले ने कभी निराश महसूस नहीं होने दिया। देर रात को मेरे सो जाने के बाद भी ये जागता रहता है, और रोज मेरे जागने से पहले ये मुस्कुराता हुआ भोर से भी पहले मुझे उठा देता है। मेरे रंग रूप पर मत जाओ, ये काला चेहरा, मेले कपड़े, फटी एड़ियां मेरी जीवित होने का प्रमाण है। और जीवित रहना बिल्कुल आसान नहीं, ये उतना ही कठिन है जितना कठिनाइयों से भरा जीवन आपका, जितना कि पूरे दिन भर में मेरी ख्वाहिशों से इस झोले को भरना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो कहानियाँ और 8 से 9 कविताएँ मैंने तैयार करी थी, जिसको आप सभी से साझा किया। अगर कोई कविता आप दोबारा सुनना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं दोबारा से बोल सकता हूँ आपके लिए। बाकी अब आप अपनी बात बताइए। अगर मैं ऐसा करता हूँ, शुरुआत में बहुत कम लोग जुड़ पाए थे इस कविता, शायद काफ़ी लोगों की कविता रह गई थी, शायद 6 लोग ही थे जब मेरी कविता थी। तो एक बार इस कविता को मैं वापस शुरू करता हूँ, मेरी पहली कविता जिसका टाइटल ही है कविता, कि कविता को कविता में कैसे दर्शाएं। तो एक बार मैं इसको वापस बोलता हूँ, काफ़ी लोग इससे वंचित हो गए थे। कविता खून नहीं मांगती, सॉरी, कविता खून मांगती है। जिस्म के हर एक भाग में बसे कण कण से निकलती आवाज होती है कविता। ये सिर्फ चंद शब्दों का ढांचा नहीं है जिसे एक फ्रेम में ढाल दिया और बन गई, और ना ही ये कोई मजबूत इमारत है। कविता बनती है नाजुक से नाजुक भावों के सरिये से। कविता महज जज्बाती तौर पर लिखी नहीं जाती, लेकिन हाँ, उसमें हर जज्बात को बेशक बयां किया जा सकता है। मगर मेरी कविता लिखने का सबब सिर्फ लिखना नहीं है, ये खिलती है दिलो दिमाग और जेहन से निकलकर, नाचती है हर एक व्यक्ति के मन के भीतर, दौड़ती है लहू के हर रक्त कण में। कभी मौन रहती है, फिर भी उसकी आवाज है। कविता जिस्म का हर एक कतरा मांगती है। अगर आप सही मात्रा में उस कतरे को मिलाना भूल गए तो कविता का जायका उतना अच्छा नहीं बनता। सांसें रखनी पड़ती है निकालकर शब्दों में, दिल की धड़कनें मिलानी पड़ती है। कविता शब्दों से नहीं बनती, भावों से बनती है। शब्द तो बस जरिया है उसे व्यक्त करने का। जब तक भाव रूह की गहराई से निकलकर हूबहू कागज पर नहीं बहे, तब तक वो कविता कविता नहीं बनती। जैसे बिना रंगों के पेंटिंग अधूरी होती है, ठीक वैसे ही बिना जज्बातों के कविता कोरी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बाकी आप अपनी बातचीत कहिए, आपको जो अच्छा लगा। ये कुछ कविताएं थी। थैंक यू नरेंद्र भैया, थैंक यू निकिता, थैंक यू योगेश, अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धांत शुक्रिया सिद्धांत, थैंक यू नवीन, वाह मोहित बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया सर, अच्छे सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी देव सर का तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। देव सर की सबसे खास बात है कि वो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाने में लगे रहते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा माध्यम है। हम लोग ऑफिस मतलब फाउंडेशन में तो हम लोग मिलते थे, वहाँ भी हम लोग करते थे। अब एक लाइव जो चलने लगा है लॉकडाउन की वजह से, ये एक नया इजाद हुआ है कि ठीक है, ये भी एक जरिया है, जब कभी इस प्रकार का माहौल नहीं बन पाए तो इस प्रकार का माहौल हम बना लें। सिद्धांत, ये बहुत अच्छा है, जहाँ भाव नहीं हो वहाँ कविता। हाँ, कविताओं को लंबाई चौड़ाई से ज्यादा गहराई की जरूरत होती है सिद्धांत। शुक्रिया ओम प्रकाश सर, नवीन कॉमरेड, आयुषी दी, हाँ अरिजीत दा, बहुत बहुत धन्यवाद अरिजीत दा। अरिजीत दा बहुत मस्त, अरिजीत दा ने हमारा पोस्टर डिजाइन किया, थैंक यू अरिजीत दा। थैंक यू सुमित भैया, अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ देखा लाइव। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वैसे आप सभी के लिए ये कि अगर आप में से भी कोई अपना कविता कहानी या किसी टॉपिक पर आप अपनी बात रखना चाहें तो उनके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। और जैसे जन सरोकार का पेज है तो इस पर आप लोग इसकी टाइमलाइन पे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, देवेंद्र सर को इनबॉक्स करते हैं। और योगेश बहुत खूब, थैंक यू। रवि भैया, कविताएं क्या सामाजिक निर्माण में कोई रोल प्ले करती है? कोई रोल प्ले करती है और कैसे, आपकी राय? बिल्कुल रवि भैया, रवि भैया मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप देखते हो हम लोगों को यार, ये पोस्टर भी, ये सभी पोस्टर अरिजीत दा ही बना रहे हैं, उनका आभार। 4:32 अभी का जवाब दो। हाँ यार, कविताएं क्या सामाजिक निर्माण, बिल्कुल रवि भैया, कविता मतलब हमारे मतलब कविता एक समाज का हम लोग अंश मान सकते हैं, मतलब कि जो दृश्य हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब कि जैसे कि जो घटनाएं चल ही रही है, हमें बस सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हम उसको देख पा रहे हैं कि हाँ यार वहां पर ये घटना घट रही है, उसके उधर ये, मतलब कि ये घटना हम सबको पता ही है कौन सी। तो कैसे हम अपनी कविताओं के माध्यम से उस घटना को एक एक रूप देते हैं, एक आकार देते हैं समाज के सामने लाने का, कि मैं उस घटना को मैं देखकर मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे जद्दोजहद मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ मैं घटना को आंखों से नहीं देख रहा, मैं सिर्फ उस दृश्य को एक इमेज में देख पा रहा हूँ, बस वो इमेज देखकर ही मेरे अंदर का जो इंसान है, जो इंसानियत है, वो अपने आप में एक समाज का निर्माण करे कि यार अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो कविताएं अपने आप में एक नया निर्माण करती है। मतलब जिस बंदे को लिखने का शौक नहीं या किसी को बोलने का शौक नहीं, वो खुद अंदर से हिल रहा है, इस प्रकार की तस्वीरें हमको देखने की मिलती है। तो ये एक माध्यम है जो निकाल रहा है अंदर की भावनाओं को, उतार रहा है शब्दों को, उकेर रहा है। तो कविता तो वही, जो मैंने कहा कि कविता लंबाई चौड़ाई से ज्यादा गहराई की ज्यादा जरूरत है कविताओं को। मोहित आप सही कह रहे हैं, देवेंद्र सर, हाँ सुमित भैया, देव सर का तो मैं फिर से तीसरी बार इस वीडियो में देव सर का मैं धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया रमेश काला सर, आपने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे हमेशा ऊर्जा मिलती है आपका साथ पाकर। थैंक यू अरिजीत दा, अरिजीत दा हम सब लोगों के मेंटर हैं, अरिजीत दा से काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं हम लोग, अरिजीत दा सारे पोस्टर हमारे अरिजीत दा डिज़ाइन करते हैं। तो ये है कि आप में से अगर कोई अपनी इस प्रकार की बात रखना चाहे तो आप लोग साझा कर सकते हैं,
और कल भी 4 बजे फिर कोई मेरी जगह कोई है तो आप जरूर देखें सबको। लॉकडाउन चल रहा है तो किस प्रकार से लॉकडाउन में हम अपना अपना पॉजिटिव टाइम का सदुपयोग कर पा रहे हैं। थैंक यू अरवशी। तो मेरा टाइम समाप्त हो गया, मैंने 4 मिनट ज़्यादा ले लिए, मैं फिक्स टाइम से शुरू करा दिया था आज। लास्ट 1 मिनट और। शुक्रिया जनसरोकार मंच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जिन जिन लोगों ने देखा और जो अभी देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।